रात को 12:05 पे, 12:15 पे, 12:25 पे आ रही जा रही मतलब वहां बैठ के खटका अब अप डाउन ये कर रहे हो अप डाउन खेल रहे हाँ फिर तो हम लोग गांव से बदतर हो गए ना। गांव वालों को पता होता कि 12 घंटे बिजली मिलेगी 12 घंटे नहीं मिलेगी, दे आर रेडी फॉर दैट। और हम क्या करें 61-62 खेले सूखी जगह ये तो थोड़ी परेशानी हाँ थोड़ी परेशानी देखनी पड़ेगा पर थोड़ी परेशानी चक्कर में करनी पहले निपट गई तो नहीं निपटे। नमस्कार मैं मयूर अलवेल, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग मालदाज स्ट्रीट में आए हुए हैं। जी हाँ, पुराना शहर जो व्यापारिक दृष्टि से भी अपनी महती स्थान रखता है उदयपुर शहर के अंदर। विगत दो दिन से पूरा शहर, 3 दिन से पूरा शहर ये देख रहा है कि बिजली विभाग का नाकारापन हर व्यक्ति को परेशान कर रखा है, क्योंकि गर्मी पड़ रही है लपक और बिजली विभाग वाला काम कर रहा है हपक। तो लोग काफ़ी परेशान है यहाँ पर, स्थानीय लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रोल्टी जी हमारे साथ हैं। पगरिया जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि 2 दिन से बिजली बिल्कुल मतलब ऐसी हो रही है कि आवे न जावे। बिल्कुल बहुत समस्या है मालदा स्ट्रीट में, व्यापारी वर्ग परेशान है पूरा। दिन में 4-4 बार बिजली जाती है, व्यापारियों को बहुत दिक्कत आ रही है। मैं निवेदन करूँगा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और बिजली विभाग दुरुस्त की जाए। जी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, बिजली को दुरुस्त यहाँ किया जाए। कि भाई साहब यार एक तो तावड़ बोल रहे हो तो भन्नाट, वरने बाद घरे जाओ तो ना पंखो चले ना कूलर। हाँ तो वे पंखुड़िया हिलानी पड़े राजा महाराजा जमाना स्टाइल में। कसो महसूस हुई आपने? अरे महसूस तो क्या है कि घर से बिल्कुल सुकून से दुकान पे आते हैं और सारा आधा काम हमारा एलएनटी वालों ने कर रखा है। इन्होंने ऐसी समस्या कर रखी है, ग्राहक भी पार्किंग में गाड़ी नहीं लगा सकता है। चारों तरफ इन्होंने ये खड्डे खोद के और ये बिल्कुल स्लो काम हो रहा है। जहाँ फास्ट होना चाहिए मालदा स्ट्रीट में फास्ट काम नहीं हो रहा है। दूसरे एरियो में इन्होंने बहुत फास्ट काम किया है और यहाँ पे ऐसी लापरवाही हो गई है। मर्जी से आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और 2 घंटे यहाँ बैठे हुए हैं। ये नजारा हम 2 दिन से देख रहे हैं यहाँ पे। अरे वो तो देख रहे हो पर वो बिजली नहीं आ रही वरना। अरे बिजली से बिजली का यही है ना भाई साहब, ये काम करेंगे बिजली तो जाएगी। ये तो खाली बेवकूफ बनाने वाली बात है। हाँ, ताकि लोग अनाने नहीं मारे। हाँ, अंडे कहीं नहीं बोले। हाँ, ये सब इनकी सेटिंग है और ये कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। बस इन्होंने साठ गार्ड से ये काम कर रखा है। बिजली 4-5 बार जा रही है तो भी थोड़ा बहुत भी फॉल्ट आता है ना तो ये इशारा करते हैं बिजली बंद कर दो, तो उनके लिए ये फटाफट काम हो सके। ये सुपरवाइजर साहब झूठ बोले गई? अरे ये वो तो सब मिला था कहानी भाई साहब। अच्छा सब मिला था। अरे यार ये सब मलिया लगा यार, अरे वो टेंशन में लोग बा। भाजी आप कतनी टेंशन में हो, बिजली नहीं आई रही जो देख लो ये टेंशन। अच्छा अतरी ये देखो 60 साल की उम्र में। तो अबे यार ये रोज रोज ऐसी घर में भी आदमी चैन नहीं रही पावे ना, कूलर चल रहे ना पंखा, पचे वे धन ने लुगे हुए नहीं। हाँ। पचे वे रात धन भर तो व्यापार भी परेशान, पचे रात वे हुए नहीं बना रही, नींद में खलल आवे तो वे अपने और परेशान करे। आदमी कतरो परेशान रह रहे हो? परेशान रह रहे देख लो नहीं आप, खाड़ा खुदिया जगह है, रास्ता बंद है, व्यापारी बैठा रहता है, ग्राहक आते नहीं है, लाइटा भी नहीं आ रही ग्राहक भी नहीं आ रहा। वो टेंशन में चल रहा हूँ। अब कटु भरे किरायो, अब बिजली विभाग के अफसरों को क्या कहना चाहते हो? डांट लगा के कह दो आ जा, ये समय पे बिजली देवे। डांट यूँ लगावे कि डांट किससे लगावे? अरे समय पर बिजली दीजे रे। डांट लगाई तो नहीं एक दिन आ तो सीनियर। समय से टाइम से टाइम बिजली देवे। पैया भी लेवे बिजली भी नहीं देवे और के मुफ्त बांट रहा है। कटे बांट रहा है? कहीं नहीं बांट रहा है तो, और है जो ही ले रहा है तो, है जो जेबा खाली करवाई रहा है, है जो ही खाली कर रहा है। भाजी ये बिजली नहीं आई रही है 2-3 दिन, लोग घना परेशान वीर है पूरा शहर रहा, कहीं कहना आप रो? अरे ये बिजली विभाग वाले तो सब बदमाश है, सब काम करते नहीं है और ये एलएनटी वाले घुस जाते हैं, काम कर रहे हैं और काम होता नहीं है और बड़ी बड़ी गाड़ी ला के रोक देते हैं, रास्ता जाम हो जाता है और गर्मी में बाहर परेशान हो रहे हैं लोग बाग। तो बिजली विभाग को कुछ सूचना देनी चाहिए कि भाई बिजली बंद रहेगी कि नहीं रहेगी। इधर पानी आने का टाइम होता है और इधर लाइटें बंद हो जाती है, तो दिन में 5-7 बार लाइटें बंद हो जाती है। तब आप ही बताओ बिजली विभाग वालों को क्या करें। जी आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहूँ बिजली विभाग वाले की लापरवाही सुनते ही नहीं है और बिजली के लिए बार बार बंद कर देते हैं और कितनी बार गिर और वहाँ से खोल खोल के चले जाते हैं और उधर से वो बाइक लगा के ब्लॉक कर दिया है, यहाँ से ये ब्लॉक कर दिया है। अब अच्छा आदमी जाएगा कहाँ से आएगा कहाँ से?
सर हमारी बाइक लगाई थी ना, तो और क्या चाहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़ी होती है। अब आप अगर लाइट नहीं दे रहे हो, आगाह करो लोगों को, मैसेज करो। अब कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, सर आपके यहाँ पे बड़ा फॉल्ट आया हुआ है, ठीक है। उसी समय पे हिरणमगरी में भी वो लाइट बंद थी, तो इतना बड़ा फॉल्ट कहाँ से आ गया? रात को 12:05 पे, 12:15 पे, 12:25 पे आ रही जा रही, मतलब वहाँ बैठ के खटका अप डाउन ये कर रहे हो, अप डाउन खेल रहे हैं। क्या तरीका है ये? अगर आपके पास पैसा नहीं है कि क्या है आपकी, अभी तो गर्मी पड़नी शुरू हुई है, अगर आप अभी ऐसे खेलोगे जो आगे के 1.5 महीने उसमें क्या करोगे आप? फिर तो हम लोग गांव से बदतर हो गए ना, गांव वालों को पता होता कि 12 घंटे बिजली मिलेगी, 12 घंटे नहीं मिलेगी, दे आर रेडी फॉर दैट, और हम क्या करें, 61-62 खेलें। लॉजिक है जी, मतलब पैसा दे रहे हैं तो फल भी चाहिए ना। आज कस्टमर हमारे यहाँ पे आता है, हम उसको माल देते हैं, हम पैसा लेते हैं, उस चीज़ के बने बुद्ध देता है। आप हमसे पैसा पूरा ले रहे हो कि हाँ भैया 2000, 2100, 1800, 3500 रुपये बिजली क्या दे रहे हो आप? मतलब ऐसे थोड़ी होता है, या तो सुविधा सही करो, एलएनटी वालों को बोलो। अब ये ऐसे ब्लॉक करेंगे, हम क्या करें यहाँ पे, क्या करने के लिए आ रहे हैं? एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए आ रहे हैं? आप रोंटी भाई की देखो, आप बहू की देखो, बस आपसे अनुरोध है, जो भी चीज है सही करो, अन्यथा बोल दो हमसे नहीं होता है। जय माता दी। जय माता दी। आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम शरद गुप्ता है। शरद गुप्ता जी, हमने इसकी कार्यक्रम की हेडिंग रखी है कि गर्मी पड़ रही है लपक, और बिजली वाला काम कर रहा है लपक, बिजली वाला काम कर रहा है हपक हपक, तो इससे सहमत है आप? हाँ सहमत ही है। और आपने इसमें एक नया वर्ड और जरा क्या जोड़ा आपने? पपक। तो गुप्ता जी भी काफी खतरनाक आदमी हमें दिखे हैं। भाई साहब आप सब ज्यादा टेंशन में दिख रहे हैं। मैं कनी बात है, टेंशन वाला है, लाइट नहीं बेगा तो टेंशन तो आएगा। अच्छा अच्छा है, पसीना निकल जा। 58 साल की उम्र में तो यही होगा आप कैसे बिना लाइट? क्या क्या चाहते हो? बिजली विभाग, बिजली विभाग वाला काम करना ही नहीं चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है। वो खाली टाइम पास का है, यहाँ भी आए तो ऐसा ही होया, काम करे तो मालूम पड़ा क्या काम का है, काम करना ही नहीं है उनको, काम करना ही नहीं है, देखना है खाली, पैसे आए और घर बैठो मस्त हो, महीना महीना होते ही तनख्वाह दो घर जाओ। और ये अड़ा मोटा मोटा खाड़ा थाने अड़े खोल रखे है, कड़ी कोई बड़ो हाथ से भेज जावे तो वो उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। हाँ देखेंगे, वो उनका तो नियम है कि बाद में देखेंगे, अभी क्या, अभी क्या, पहले टूटना था, कोई मरेगा फिर हम देखेंगे, फिर देखेंगे इसको क्या करना। ठीक है। तो गर्मी पड़ रही है लपक, और लाइट वाला काम कर रहा है हपक। भाई साहब सुपरवाइजर साहब आप, अरे इतना धीरे धीरे काम को चले रहे हो, तावड़ो करो, बन भन्नाट पड़ रही है भाई, तैयारी करना है। हाँ अरे तो तैयारी तो पहला करनी चाहिए, आबार क्यों कर रहा? तैयारी तैयारी तो करनी पड़ेगा, ये तो अंडरग्राउंड चालू करनी है, ऊपर थंबा हटाना है। अरे पर लोगों ने कितनी परेशानी हुई है, थोड़ी परेशानी हो, जिंदगी भर सुखी रहेगा ये तो। थोड़ी परेशानी? हाँ थोड़ी परेशानी देखनी पड़ेगा, पर थोड़ी परेशानी चक्कर में करनी फैला नहीं पड़गी तो नहीं निपटे। डॉक्टर साहब अब ये बताइए कि यहाँ पर ये जो 2-3 दिन से बिजली विभाग के द्वारा जो खेल यहाँ चलाया जा रहा है, बिजली का खटका है, बंद आए दिन बिजली बंद रह रही है, यहाँ गर्मी में बहुत परेशानी हो रही है, व्यापार पे बहुत इसका इफेक्ट पड़ रहा है, ग्राहक भी बहुत परेशान हो रहे हैं। अच्छा, और हर 10 मिनट में लाइटें बंद होती है, फिर आती है, फिर जाती है। अब क्या कहना है आपका, सरकार से क्या कहना है? सरकार से कि लाइट की व्यवस्था को सुचारू करें, और सुचारू रूप से उसको लाइटों को चालू करें, सुचारू रूप से लाइटों को चालू यहाँ किया जाए। कल भी हमने पूरा माजरा आपको दिखाने का प्रयास करा कि कल भी पूरी रात भी कई जगह पर लाइटें बन रही, जिसमें सवीना का वाक्या हम आपको पूरा दिखाते हैं, आप खुद ही देखिएगा और महसूस कीजिएगा किस तरह से सवीना के अंदर रात को लाइटें बंद थी, और लोग जब बिजली विभाग के ऑफिस वहाँ गए तो वहाँ पर भी कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था, पूरा बिजली विभाग का ऑफिस वहाँ खाली था।
तो आप आ जाओ ना यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे अटेंड करने वाला कोई है ही नहीं। मैं भी यहाँ पे सॉल्यूशन लेने के लिए आया था और एन मैडम है दिव्या, उनको भी बोला मैंने, तो आप भी बता रहे हो यहाँ पे सब इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे करके पूछो, वहाँ से बी स्टार्ट भी आए हुए बता रहे हो, आप भी बता रहे हो वहाँ पे कोई बैठा ही नहीं रहा, जस्ट अभी आए। क्या नाम है आपका? केशुलाल जी जस्ट अभी आए हैं, फोन में उठा रहा हूँ, केशुलाल जी तो अभी ऑन ड्यूटी पे तो है ही नहीं यार। आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो? हम साइड बिल्कुल साइड में नहीं है, पीछे की तरफ लाइन चालू करने के लिए। कौन सी लाइन चालू करने के लिए? एक बटा दो बटा अभी चालू करके आप इसमें कंप्लेंट दर्ज कर रहे हो? तो कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं। हाँ ये देखो आप, कितने बजे मैंने कंप्लेंट दर्ज करी है आज दिन में? देखो दिन वाले अलग स्टाफ है, अभी नहीं नहीं ये देखो, ये मेरा नंबर है, ये मेरा मकान नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप यहाँ पे थे अभी, ऑन ड्यूटी थे, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है, मेरी बात सुनो, दिव्या मैडम से मेरी बात हुई, मेरी बात सुनो। हाँ हम 10 बजे आए, उससे पहले दूसरा स्टाफ कहाँ गया? वो तो गए उनकी 10 बजे बाद। फोन में आपको उठा रहा हूँ, फोन अभी आप उठा रहे हो, हम लाइन बंद थी चालू करने की। कौन सी चालू करने की? एक बटा दो बटा लाइन बंद। अरे एक बटा दो बटा तो छोड़ो, ये सेक्टर 11 की, ढाई बजे की, 11 की। आप दिव्या मैडम से बात? हाँ दिव्या मैडम से मेरी बात हो चुकी है, तो उससे बात कर ली। हाँ मैंने उनको फोन लगाया, उन्होंने बोला कि सर मैं चालू करवाती हूँ। एग्जैक्टली सर ये मेरा नंबर है, ढाई बजे मैंने कंप्लेंट करी। अरे नंबर ये क्यों रहता है? उठाता ही नहीं है कोई, यार लाइन बंद होती है। मैं आप फोन साइड में रखे गए, आप उठाओ इस फोन को, कहाँ से फोन आया उठाओ। ये सर्कल ए ब्लॉक, बोलिए ए ब्लॉक से। ढाई बजे दिन में अपना लाइन कट था, राम सिंह जी वाणी का 12:30 से 2:30 था। ये वापस ये देखो आप, एक ये बंद हो गया, आप बोल रहे नहीं उठा ले, ये देखो सामने। अरे अरे मेरे को मत बताओ, 2:30 की कंप्लेंट है कि आप मेरी बात सुनो। आप ऐसा करो, ये जैन साहब है, अरे कोई भी जैन साहब है, मैं दिव्या मैडम को फोन कर रहा है अभी, उनसे कीजिए ना। हाँ मैंने करी भाई, दिव्या मैडम ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है, 2:30 की मेरी कंप्लेंट है। उनसे आप कीजिए, 2:30 की अभी तक क्यों नहीं हुई है? हाँ क्यों नहीं हुई है, मैंने उनको बोला ये आप उनसे बात कीजिए। हाँ तो आपके साथ में और कौन है ड्यूटी पे? हमारे जो साइड पे चल रहे हैं। आप अभी फोन लगाओ दिव्या मैडम को, मैडम यहाँ पे बता रहे हो आप, या नहीं हो तो मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगी, या मैं अभी कलेक्टर साहब से बात करूं, या मैं अभी कलेक्टर साहब से बात करता हूं। दिव्या मैडम को फोन लगाओ अभी, अभी मैंने उनको 15 मिनट पहले फोन करा और शाम को भी फोन करा, मैडम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, बोले सर मैं दिखवाती हूँ करती हूँ, कोई 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 देखने वाला नहीं है, धनी रो भी नहीं है, मोबाइल ये लेन है ये साइड में डाल देते हो आप। नहीं डालते अभी साहब, मेरी बात सुनो, कितने फोन मैंने अटेंड करे, एक मिनट, मैं अकेला जैसे बंद हो गया, मेरा अकेले कैसे हो आप ड्यूटी पे? मेरे को अभी 300 फीट नहीं जाना पड़ेगा, अकेले ड्यूटी पे रहते हो क्या? यहाँ अकेला रहता, दो आदमी फील्ड में चल रहे हैं। कहाँ गए? साइड में कहाँ गए? कहाँ गए फील्ड में? वो भी कहाँ गए फील्ड में? गोर्धन अपार्टमेंट में गए। हाँ उसी लाइन को चालू की, बाकी की गोर्धन अपार्टमेंट की चालू कर दी, बाकी ऐसी कम जैसी नाम तो यू। हेलो आपके सामने में फोन कितने उठाए ये बताओ आप, ये तो साइड में डाल देते हैं फोन। मैं 2:30 की मेरी कंप्लेंट है, ये देखो आप उठाते हैं फोन। हाँ वही वाली बात है, दिव्या मैडम को मैंने फोन लगाया है, मैंने दिन में शाम को लगाया, अपना पल्ला झाड़ दे सब, अपनी थोड़ी आज सुबह से लेते हैं टाइम। अरे आप जब बता रहे हो, आप ये देख लो यहाँ पे कोई बंदा ऑन ड्यूटी था क्या? कोई भी था क्या? अकेला बंदा ऑन ड्यूटी है क्या? अकेला बंदा ऑन ड्यूटी होता है क्या? कोई नहीं कह रहा ना। हाँ ये अकेला बंदा उधर गया, बाकी क्या है बंदे? कोई फोन ही नहीं उठाता है, फोन साइड में डाल देते हैं। सर मैं रामचंद्र की वाड़ी से आया हूँ और मैंने ये 2:30 की मेरी कंप्लेंट है, ये रजिस्टर में एंट्री है, 2:30 की कंप्लेंट है।
नहीं, दिव्या मैडम को मैंने फोन करा, ये जो है दिव्या मैडम है उनको भी करा मैंने, वो भी बोले हाँ सर मैं रिजोल्व करती हूँ, शाम को मैंने कॉल करा बोला रिजोल्व करती हूँ, उसके बाद कॉल ही नहीं आया और रिजोल्व नहीं हुई तो मैंने वापस फोन लगाया, मैडम आप कहाँ हूँ, बोले घर पे हूँ, बोले आपके घर पे आराम से सो रहे हो, बोले हाँ सो रही हूँ, तो मैडम हमारी प्रॉब्लम कौन सोल्व करेगा, ये तो पूरे दिन से ड्रामा कर रखा है भाई, पूरे दिन से ये आधे घंटे की जा रही है, दो घंटे की जा रही है, दीवार कोई नहीं कह रहा, क्या है गर्मी इतनी है। नहीं गर्मी है सारी चीजें, लेकिन रिजोल्व कौन करेगा, काम करेगा ना, हमारा काम पूरे हमारा काम, पार्षद को कौन करेगा, पार्षद का फोन नहीं उठा रही है, क्या मतलब मैसेज आया था 12:30 बजे से 2 बजे तक लाइट कटौती होगी रामसिंह जी वाड़ी सेक्टर 11 की। 2:30 बजे में जब पहुंचा, 2:15 बजे के आसपास जब मैं पहुंचा तो वहां पे लाइट नहीं आ रही थी घर पे और बिल्कुल डिम लाइट थी, तो मैंने करीबन 2:30 बजे के आसपास 2:20 के या 2:30 के आसपास मैंने यहाँ पे कंप्लेन लॉन्च कराई फोन पे और मैंने कहा कि सर यहाँ पे डिम लाइट आ रही है तो प्लीज आप इसको रिजोल्व करें। किसी प्रकार का कोई भी रिजोल्यूशन कि कोई गाड़ी आए वो चेक करे क्या कारण है क्या कारण नहीं है, शाम की 5 बजे 6 बजे तक कोई गाड़ी नहीं आई, तब जाके मैंने पार्षद महोदय से बात करी अपने भौर सिंह जी देवड़ा है हमारे 22 नंबर वार्ड के, उनसे मेरी बात की तो उन्होंने बताया कि दिव्या मैडम करके हैं वो यहाँ के अधिकारी हैं, तो मैंने दिव्या मैडम के उनसे नंबर लिया, दिव्या मैडम से मेरी पर्सनली मेरे फ़ोन पर बात हुई, मैंने उनको बताया कि मैडम ऐसे ऐसे बात है और हमारे यहाँ पे डिम लाइट आ रही है और आस पड़ोस में कल को मान लीजिए एकदम लाइट चालू होती है किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है उसका जिम्मेदार कौन है, तो मैडम ने ये कहा कि संदीप जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम आपका रिजोल्व कर देते हैं, उसके बाद भी कोई रिजोल्व नहीं हुआ। अभी 10 बजे मेरे पास कॉल डिटेल है सारी चीज़ें हैं, मैडम ने किसी भी प्रकार का कोई गाड़ी नहीं भेजी है वहाँ पे, और यहाँ पे जब मैं अभी आया हूँ करीबन 1.25 घंटे पहले मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे बेटे को लेके आया हूँ और यहाँ पे मेरे अलावा यहाँ पे काफ़ी अपने सेक्टर 14 के एफ ब्लॉक जी ब्लॉक एच ब्लॉक नया खेड़ा ये खेड़ा सर्किल के आसपास के काफ़ी लोग खड़े थे, यहाँ पे कोई फ़ोन अटेंड करने वाला बंदा नहीं था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, यहाँ पे एक ही बंदा खड़ा था और फ़ोन अटेंड करने वाला कोई बंदा, फ़ोन वो साइड में डाल दिया, फ़ोन में जो रिसीव कर रहा था वो मैं ही कर रहा था और मैं रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा वो आप सुन लेना। हर बंदा यही कंप्लेन कर रहा था कि सर लाइट नहीं आ रही है, लाइट डिम है, लाइट नहीं आ रही है, क्या है क्या नहीं है, दिव्या मैडम की तरफ से या सरकारी महकमे की तरफ से किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है और सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे यही कंप्लेन करने आए कि आप अपने घर पे तो आराम से सो रहे हो और हम आम जनता जो परेशान हो रही है और मैडम को अभी भी फोन लगा रहे हैं, आपने भी लगाया है, आपको भी मैंने नंबर दिए हैं और साथ में जो भी बंदे खड़े उनको भी नंबर दिया, मैडम ने किसी का भी फोन रिसीव नहीं किया है, तो कम से कम आप एक सरकारी अधिकारी हो, आप यहाँ पे कोई आपका पर्सनली मैटर नहीं है, यहाँ पे जनता की सेवा करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको नियुक्त किया है, तो आप यहाँ पे किसी भी टाइम किसी भी अगर किसी भी आम जनता को कोई परेशानी होती है आपको यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, मैडम ने फोन नहीं उठाया वो अपने घर पे है और यहाँ पे एक ही बंदा है और एक बंदे उसने भी फोन नहीं उठाया, मैंने फोन उठाया बाद में वो लास्ट में आया कि सर मैं अगला लाइन में हूँ बाकी फील्ड में है, फील्ड में क्या कर रहे हो, फील्ड में तो कोई कुछ आ ही नहीं रहा है, फील्ड में तो किसी ने किसी के घर पे लाइट डिम लाइट है किसी के लाइट ही नहीं है, एच ब्लॉक ले लो कैसे भी ले लो, तो ये चीज गलत है, कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन यही है ऐसे अधिकारियों को यहाँ से अर्जेंट में हटाया जाए और जिसको भी जो भी अगर सही व्यक्ति हो जो जनता की बात सुने उसको यहाँ पे नियुक्त किया जाए, तो आप तो फोन ही नहीं उठा रहे हो, आप अपने घर पे आराम से सो रहे हो और जनता यहाँ पे त्रस्त हो रही है, लोग धीरे धीरे वहाँ इकट्ठे हुए तब जाकर कोई कर्मचारी वहाँ पर आया। इस तरह के हालात अगर शहर के अंदर हैं और गर्मी इतनी तेज गति से गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री का टेम्परेचर कल उदयपुर के अंदर छुआ है, ऐसे में लोगों की स्थिति काफ़ी गंभीर होती जा रही है और बिजली विभाग के सुस्त अधिकारियों को मुस्तैद और चुस्ती से अपना काम यहाँ करना पड़ेगा ताकि लोगों को राहत यहाँ दी जा सके, क्योंकि लोग आपसे टेम्परेचर कम करने को नहीं कह रहे, लोग कह रहे कि आप बिजली दो। कुछ लोगों ने आरोप ये लगाया कि जब उन्होंने टेलीफोन पर उनसे बात करी अधिकारियों से तो उन्होंने कहा कि एसी ज़्यादा चल रहे हैं, लोड ज़्यादा पड़ रहा है इसलिए बिजली नहीं दे पा रहा। अरे मूर्खों जैसी क्या बातें करते हो, या तो आप फिर एसी के विक्रय पर प्रतिबंध लगाओ सरकार को, कह के आपके पास अगर माकूल व्यवस्था नहीं है आप उन्हें नहीं चालू करवा सकते हो तो आप उन्हें बेचते क्यों, ये कोई जवाब नहीं। अब इस पूरे मसले पर हम
बिजली विभाग के अधिकारियों से भी बात करेंगे, तो सीधे लिए चलते हैं बिजली विभाग के अधिकारियों के पास। उदयपुर शहर की जो डिमांड है वो 100 मेगावाट के करीब रहती है, हमेशा 100 के आसपास रहती है, लेकिन पिछले 3 रोज में अचानक ये डिमांड बढ़ के 140-150 तक पहुंच गई। 3 दिनों में जनरली 110-115-120 तक जाती है, लेकिन कल की डिमांड हमारी 150 मेगावाट तक गई है। 3 दिन में जो एक्सेस गर्मी पड़ी है उससे ये डिमांड अचानक बढ़ गई। रूरल एरिया की भी डिमांड हमारी 170 मेगावाट के आसपास रहती है, लेकिन रूरल में भी ये डिमांड बढ़ के 200 से ऊपर हो गई। इस तरह से उदयपुर सर्किल की जो डिमांड है वो 350 मेगावाट तक गई। तो 3 दिनों में थोड़ा दिक्कत तो आ रही है, हमारी लाइनें भी ओवरलोडेड हो रही हैं, जो ट्रांसमिशन की लाइन है वो भी ओवरलोड हो रही है, हीट की वजह से भी आ रही है, उनमें सेग आ रहा है, एक्सेस सेग आ जाता है, तो लाइन ट्रिप हो जाती है, कई बार ओवरलोड पे ट्रिप हो जाती है, अर्थ फॉल्ट पे ट्रिप हो जाती है, कल भी हुई थी। हमारा पूरा एफर्ट्स रहते हैं हमारे कि निर्बाध रूप से हम सप्लाई दें और किसी तरह का इंटरप्शन नहीं आए। इसके लिए हमने एक प्लान बनाया है आज कि इंडस्ट्री जो 1 MVA से अबव जो इंडस्ट्री है उसका हम 50% कट कर रहे हैं पीक आवर्स में, ताकि आम जनता को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। हमारा प्रयास यही रहता है कि बिजली की व्यवस्था सुचारू रहे और निर्बाध रहे, इंटरप्शन कम से कम आए। इसके लिए हमें इंडस्ट्री काटनी पड़े तो हम काटेंगे, और यही हम आज कर रहे हैं कि जो 1 MVA से अबव इंडस्ट्री है उनमें 50% हम कट कर रहे हैं, ताकि आम जनता को किसी तरह की तकलीफ ना हो।